बिजनेस में, उसमें से मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा और थोड़ा सा सीखने और समझने का प्रयास करना। मैं अपना परिचय से अपनी शुरुआत करता हूँ आज की इस सेमिनार की। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है दिल्ली के पास में, है ना, हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली के पास में छोटा, जानते हैं हरियाणा? तो हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। जींद एक छोटा सा टाउन है, वो मेरी होम सिटी है। साधारण परिवार से हूं मैं। साधारण परिवार किसको बोलते हैं? साधारण परिवार का मतलब है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जिस परिवार में बहुत सारा पैसा नहीं था। फादर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब उन्होंने जिंदगी भर की। चार भाई बहनों का हमारा परिवार है। आज से 24 साल पहले की एक बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 24 साल पहले मैं बीए 24 साल पहले 10+2 के एग्जाम देने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ में एक जॉब भी करूंगा। दो बहनें मेरे से बड़ी है, भाई मेरे से छोटा है, तो मेरा नंबर था जॉब करने का। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई के साथ में जॉब भी करूंगा। तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कॉरेस्पॉन्डेंट से, और साथ में जादूगर के साथ में असिस्टेंट की नौकरी स्टार्ट की आज से 24 साल पहले। जादूगर असिस्टेंट आप समझते हैं क्या सर? जब हम ये मैं हूं, ये मेरी 24 साल पुरानी फोटो है। ये मेरे गुरुजी हैं जो मैजिशियन थे, अनिल जादूगर जिनका नाम है ना। ये मैं पीछे, ये मैं खड़ा हूँ, और ये मेरे गुरुजी जो उस समय जादूगर के गुरुजी हैं। तो ये मैं, हम इस तरह जाके स्कूलों में सब शो करते थे। आप देखते होंगे सर, कोई भी मैजिक शो अगर आपने देखा होगा, मैजिशियन के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, याद है? Yes. जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, तो जादूगर जो भी शो दिखाता है उसका वो जो सामान होता है वो उस जादूगर को देता है, फिर वो आइटम दिखाते हैं, उसके बाद में वो सामान पैक करता है, वो लड़का वो अटैची उठाता है जादूगर के साथ। तो ये काम मैं करता, 2 साल मैंने इस काम को किए। डेली हम 3 शो दिखाते थे, सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन में 3 शो स्कूलों में जाके शो दिखाते थे, और शाम को घर पे, और 1500 रुपए महीना वो जादूगर मेरे को देते थे। 2 साल मैंने इस नौकरी को किया, और 2 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन वो 1500 रुपए नहीं बदले। 1500 के 1500, और जो बहुत कुछ सिखाती है तो भी, अगर जो सीखना चाहे तो, नहीं सीखना चाहे तो पूरी जिंदगी जॉब करते हैं लोग। तो उन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा कि इस जॉब से जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज हम बार बार सुनते हैं, आपने भी सुनी होगी अपनी जिंदगी में हजारों बार, कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस लाइन को आपने सुना है क्या? सुना है। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन आज मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ सर, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। आज से 22 साल पहले, 2 साल जॉब कर रहा था, करते करते हो गया था, 22 साल पहले ये दिन मेरी जिंदगी में आया। मैं पूछ रहा था कितने नए साथी हैं, पहली बार आए हैं। 22 साल पहले मैं भी एक आरसीएफ की मीटिंग में गया, उस मीटिंग में और आज की इस मीटिंग में एक अंतर है। अंतर क्या है? उस मीटिंग में इतने सारे शानदार ऑडियंस नहीं थे, इतने सारे शानदार लोग नहीं थे। उस मीटिंग में इस तरह का साउंड सिस्टम नहीं था, उस तरह के लीडर्स नहीं थे। उस मीटिंग में मात्र 30 लोग थे, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं जाके बैठा, मीटिंग को लेने के लिए आए थे एक आईएएस ऑफिसर। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर में मेरी पोस्टिंग है, आईएएस अधिकारी हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे को बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर सब कुछ दे रखा है, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में। पीएन है मेरे ऑफिस के बाहर बैठता है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिलना पड़ता है, और 25 साल से मैं इस नौकरी को कर रहा हूँ। मैं उस समय पढ़ रहा था बीए सेकंड ईयर में, मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया अपना कि मैं बीए सेकंड ईयर में एवरेज स्टूडेंट था, वो आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा 25 साल से इस नौकरी को कर रहा हूँ, और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस आरसीएम बिजनेस को भी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम बोले तो उन्होंने कहा जो शाम का टाइम होता ना ऑफिस से घर पे आने के बाद, मैं रेस्ट नहीं करता शाम को, मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता, उस टाइम में मैं इस बिजनेस को करता हूँ।
उन्होंने कहा जो छुट्टी का दिन होता है, कोई भी छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है, उस संडे के दिन में मैं इस बिजनेस को करता हूँ। और उन्होंने फिर एंड रिजल्ट बताया कि 25 साल की आईएएस की नौकरी मेरे को 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है। ये बात है 3 फरवरी 2021। उन्होंने कहा 25 साल की नौकरी 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है और 1.5 साल हो गया आरसीएम करते करते, और 1.5 साल का पार्ट टाइम, फुल टाइम नौकरी 25,000 और पार्ट टाइम में आरसीएम करता हूँ 1.5 साल, और 1.5 साल में आरसीएम बिजनेस से 1 महीने की इनकम आती है 1,00,000 रुपए से ऊपर। बिजनेस समझ में नहीं आया, बिजनेस क्या है, कैसे चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मेरे को नहीं। एक चीज समझ में आई, एक आईएएस अधिकारी इस बिजनेस को कर रहा है, पहली चीज ये समझ में आई। आईएएस कैसी जॉब होती है सर? सर जैसे गश्ती ऑफिसर है तो क्रीम जॉब होती है, उससे ऊपर जॉब है ही नहीं ना हिंदुस्तान में। मैंने कहा एक आईएएस अधिकारी इस बिजनेस को कर रहा है। दूसरी चीज समझ में आई कि 1,00,000 रुपए महीना इस बिजनेस से 1.5 साल में कमा रहे हैं वो पार्ट टाइम में करके। तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उसी दिन उसी हॉल में 30 लोग बैठे थे, मीटिंग खत्म हुई, 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली, 1 घंटा 5 मिनट के बाद 30 में से 26 लोग उठ के चले गए, पता नहीं क्या लगा उनको है ना। लेकिन 4 लोग बैठे रहे, उन 4 में एक मैं भी था। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। खतरनाक समझते हैं सर? खतरनाक का मतलब है जो पता नहीं होता ना क्या होगा। कई बार हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और ओवरटेक करते हैं तो सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता है तो कई बार हम खतरनाक ड्राइविंग करते हैं ना, वो बच भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ऐसे मैंने जिंदगी का खतरनाक डिसीजन लिया उस दिन। खतरनाक डिसीजन क्या लिया, उसी हॉल में बैठ के सोचा आज के बाद, दो काम कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में पढ़ रहा था और प्लस 1,500 रुपए की जॉब कर रहा था। उसी हॉल में बैठ के मैंने सोचा कि आज के बाद ना तो मैं नौकरी करूंगा ना मैं पढ़ाई करूंगा। मेरे पास में डिग्री जो है ना, बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है सर, सेकंड ईयर की डिग्री नहीं है। जानना चाहते हैं क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च में एग्जाम होते हैं बीए सेकंड ईयर के और 3 फरवरी को मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, एग्जाम ही नहीं दिए सेकंड ईयर के। तो मैं किसी को ये सलाह नहीं देता सर आप ऐसा कुछ करें, वो मेरा खुद का डिसीजन था। मैंने नौकरी छोड़ दी उसी दिन। मैंने फोन किया अनिल जादूगर जी के पास, मैंने कहा सर आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्या करोगे? मैंने कहा बिजनेस शुरू करूंगा। बोले कुछ नहीं रखा इस तरह के बिजनेस में, ठीक नौकरी है तेरी सैलरी और बढ़ा दूंगा। मैंने कहा नहीं सर तो बिजनेस करेंगे। तो काम करना शुरू किया, मेरे पेरेंट्स से मैंने बात की, मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। छोटी सी सैलरी थी फादर की, उसमें बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था। तो मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन मैं फुल टाइम उसको करना चाहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के। उन्होंने मेरा सहयोग किया, उन्होंने कहा ठीक है जो आपको लगता है आप कर सकते हो। तो आज से 22 साल, अभी 3 फरवरी को 22 साल हो गए पूरे। 22 साल पहले 19 साल की उम्र थी, ना दाढ़ी थी ना मूछ थी, और आज से बिजनेस को शुरू कर दिया। जितना आसान मैं समझता था उस मीटिंग में बैठ के मेरे को लगता था, उतना आसान ये था नहीं। शुरुआत में चैलेंज आते हैं सर, हर काम में आते हैं, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। Am I right? Yes. रिक्शा चलाना आसान होता है? नहीं होता सर, वो भी मुश्किल है। रेडी लगाना भी मुश्किल है, नौकरी करना भी मुश्किल है, बिजनेस करना भी मुश्किल है, खेती करना भी मुश्किल है, हर काम मुश्किल है। तो आज से बिजनेस भी मुश्किल है ना। इसमें मुश्किल क्या है वो मुश्किल में बात करूंगा आपसे बीच में। पहले महीने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों को आज से बताया, मैक्सिमम लोगों ने सुनने से पहले मना कर दिया। आज भी एग्जैक्ट संख्या मेरे को याद है, 23 लोगों को मैंने प्लान दिखाया था पहले महीने। एक साइकिल होता था, किट आती थी उसमें आरसीएम बिजनेस में, 2 किट खरीदी मैंने आरसीएम बिजनेस के पैसे, 2 किट खरीदी अपने पैसे से, साइकिल के पीछे रखा, आरसीएम करना चालू किया। 23 लोगों को प्लान दिखाया, 23 में से 19 लोगों ने मना कर दिया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 4 फॉर्म कंपनी भेजे, 544 रुपए का चेक आया 8-10 दिन के बाद में। उस 500 के चेक को देख के मैं बड़ा खुश हुआ और वो चेक मेरे को हमेशा याद रहेगा। याद क्यों रहेगा, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। याद इसलिए रहेगा क्योंकि पहली इनकम हमेशा याद रहती है, वहां से मैंने शुरुआत की। 1 साल काम किया इस बिजनेस में, जो जो अपलाइन बोलते थे 100% फॉलो किया, 100 का मतलब 100, 99.9 भी नहीं,
उन्होंने कहा जयपुर चलो जयपुर, उन्होंने कहा पिकअप सेंटर खोलो पिकअप सेंटर, उन्होंने कहा ये करो ये करो, उन्होंने कहा प्लान दिखाओ, 100% उनको फॉलो किया। ज्यादा पैसा नहीं आया, आरसीएम नहीं चला, एक साल में केवल 16,000 रुपए टोटल इनकम आई। नौकरी छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था, ज्यादा पैसा नहीं आया था, लेकिन विश्वास था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, ये बिजनेस चलेगा, इसको चलने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरे साल ऐसे आसन किया, दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया, 65,000 की इनकम है, लेकिन खूब काम किया, खूब मेहनत की, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग इस बिजनेस में मेहनत करते हैं ना, सर बिजनेस नहीं चल रहा, आप लगातार करते रहना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया, दूसरे साल टोटल इनकम आई आसन से 65,000, टोटल 12 महीने की टोटल इनकम, कभी 7,000 आते, कभी 3,000 आते, कभी 2,000 आते, कभी 8,000 आते, ऐसे चलता रहा। इन 2 सालों में पैसा नहीं आया, जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, साइकिल था, 14-14 किलोमीटर साइकिल चलाते थे हम, एक दिन में साइकिल के ऊपर ही काम करते थे। तो इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला इस बिजनेस में, कि लाइफ कैसे बदलती है, जीवन क्या होता है, सक्सेस क्या होती है ना, आने वाले समय में फ्यूचर कैसा हो सकता है, बहुत कुछ नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, ऊर्जा मिली, एक्साइटमेंट मिला, बहुत कुछ मिला, पैसा नहीं मिला शुरू के 2 साल में। लेकिन ये सारी चीज जब आपके पास होती है ना, तो पैसा पीछे पीछे आता है। 29 महीने तक मेहनत की, 29 महीने की मेहनत का रिजल्ट आया 30वें महीने। 30वें महीने में आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ रॉयल्टी अचीवर आपके सामने आए होंगे, ऐसे ही मैं भी रॉयल्टी अचीवर बना। कितने महीने में? 30 महीने में। 30 महीने लगे सर रॉयल्टी पे आने में। रॉयल्टी पे आया, साइकिल पे काम कर रहा था, तो सपना था कि कोई 2-व्हीलर होना चाहिए मेरे पास में। तो जिस टाइम रॉयल्टी पे आया, मैं पुरानी स्कूटर लेके आया, खरीद के लेके आया पुरानी स्कूटर। उस स्कूटर के ऊपर फिर मैंने काम करना चालू किया। 13,000 रुपए की वो स्कूटर थी, उसको मैं लेके आया अपने घर पे। बड़ा खुश था उस दिन। खुश क्यों था? एक साइकिल वाले को स्कूटर मिल जाए तो खुश होगा या नहीं होगा? Yes. स्कूटर के ऊपर काम किया, फिर उसके बाद मैं टेक्निकल पे आ गया। टेक्निकल पे आने के बाद मैंने बाइक खरीद ली, फिर थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ गया तो मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीद ली। ये एक्चुअली 8वां अजूबा है दुनिया का। कौन सा? ऐसा क्यों है? मेरे फादर ने, मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, शायद 35 साल जॉब की है, और 35 साल की जॉब साइकिल से साइकिल तक ही रहा वो सफर, है ना। 35 साल से की जॉब में ज्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं मिल पाई, क्योंकि वो छोटी सी प्राइवेट जॉब थी। लेकिन इस बिजनेस में मैंने काम किया, इस बिजनेस में स्कूटर पे आया, फिर पहली कार लेके आया मैं। कार लेने के बाद मैं और अच्छा लगने लगा, मेरे पूरे खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी थी, और मेरे को प्राउड होता था उस समय बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर, कि मैंने इस बिजनेस से कार खरीद ली। उसके बाद में छोटा सा घर था, एक ड्रीम पैदा हुआ, एक घर होना चाहिए, घर बनाया मैंने 12 लाख रुपए लगा के, आज भी याद है 2004 में। उस समय 12 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट होता था। 4 बेडरूम का एक शानदार सा घर बनाया 12 लाख रुपए लगा के। उसके बाद में दूसरी कार खरीद ली मैंने इस बिजनेस से, कुछ समय के बाद में दूसरी कार खरीद ली। 8वां अजूबा मैं इसलिए बोलता हूँ, एक साइकिल चलाने वाला आदमी 2 कार खरीदता है या नहीं? Yes, फिर दूसरा घर बनाया मैंने 35 लाख रुपए लगा के, एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट याद है आज भी। दूसरा जो घर बनाया वो थोड़ा सा बड़ा घर था, उस पे 35 लाख रुपए लगे थे 2006 में। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैंने 3रा घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का, एक शानदार दिल्ली में हुआ था, द्वारका में सेक्टर 10, और सेक्टर 10 में जो सबसे अच्छी सोसाइटी, उसमें सबसे अच्छा फ्लैट था, वो मैंने खरीदा था 2010 में 2 करोड़ रुपए का। फिर तीसरी कार खरीदी दिल्ली में आके मैंने, फिर चौथी कार खरीदी मैंने, फिर चौथा घर खरीदा मैंने, फार्म हाउस खरीदा, बहुत कुछ खरीदा सर, बहुत कुछ हुआ। चौथा घर खरीदा, वो ड्रीम हाउस खरीदा ना, उसमें सब कुछ है उस घर में, जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, मेरी जिंदगी का चौथा घर है। उसमें पर्सनल स्विमिंग पूल है,
हम पढ़ते थे कि अमीर लोगों के घरों में स्विमिंग पूल होते हैं, तो मेरे घर में भी पर्सनल स्विमिंग पूल है। हम पढ़ते थे, हम जाते थे होटलों में, देखते लिफ्ट लगी होती थी नीचे से ऊपर जाने के लिए। आज जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरे घर में पर्सनल लिफ्ट है। मैं कॉमन की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ। 3 मंजिल का घर है, 3 मंजिल पे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, पर्सनल थिएटर है उसमें, मूवी देखनी होती तो PVR में नहीं जाते, मेरे घर पे ही पर्सनल थिएटर है, दो दो गार्डन है, सेलिब्रिटी लोग आसपास में रहते हैं। तो इस घर में मैं अभी रहता हूँ और अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी मैंने 1 जनवरी को। मेरे बेटे का बर्थडे होता है 1 जनवरी को, तो 27 दिसंबर को उसने कहा, पापा क्या गिफ्ट दोगे मेरे को इस बार? मैंने कहा बता क्या चाहिए? कह रहे मेरे को कार चाहिए। वो भी बड़ा चलाक है। मैंने कहा कौन सी कार चाहिए? कह रहे मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज कार, मर्सिडीज बेंज, बोले मर्सिडीज बेंज चाहिए। तो 27 दिसंबर को हम गए सर मर्सिडीज बेंज के शोरूम पे और मैंने कहा कि मेरे को डिलीवरी चाहिए 1 तारीख को। तो उन्होंने कहा सर 1 तारीख को पॉसिबल नहीं है, 4 महीने की वेटिंग होती है, तो 4 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। मैंने कहा नहीं चाहिए, तो 1 तारीख को चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा पेमेंट आपको तुरंत करनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल आज ही मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो अभी 1 तारीख को मैंने अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी। वो कार लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ड्रीम कार होती है मर्सिडीज बेंज। तो 1 तारीख को मर्सिडीज बेंज लेके आया हूँ। ये जो सफर है जो मैंने आपसे बात की, ये मैंने क्यों बात की? मैंने इसलिए बात की कि कोई भी आज आप कुछ भी है, आज आप कहाँ है, किस हाल में है, क्या आपकी इनकम है, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपकी एजुकेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन की बात करूं तो BA फर्स्ट ईयर तक की डिग्री है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे होंगे। 1500 रुपए महीना कमाता था, मेरे से ज्यादा कमाने वाले। साइकिल पे चलता था, आप लोग बाइक पे कार पे चलते होंगे, है ना। अब एक 1500 रुपए कमाने वाला इस बिजनेस में, जो हाईएस्ट इनकम मेरी आई 1 महीने की, वो आई 1,11,000 रुपए की। 1500 रुपए महीना कमाने लग जाता है। साइकिल पे चलने वाला 5-5 गाड़ियां खरीदता है, मर्सिडीज बेंज में चलने लग जाता है। 2 कमरों के छोटे से घर में रहने वाला 7 करोड़ के घर में रहना शुरू करता है। ये पावर किसकी है सर? ये नेटवर्क मार्केटिंग, वो RCM बिजनेस की पावर है। इसमें सब कुछ हो सकता है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है अपने एंटीने को सेट करने की। RCM ज्वाइन करने से नहीं चलता। RCM जिस दिन आपने ज्वाइन करने के बाद अपने एंटीने को सेट कर दिया, उस दिन RCM चलता है। एंटीना सेट कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए आज से 20 साल पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, कलर नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ में क्या होता था, छत पे एक एंटीना होता था, याद है आपको? Yes. और समटाइम ऐसा होता था कि पिक्चर साफ नहीं आती थी, समटाइम आवाज नहीं आती थी। हम क्या करते थे? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही याद है सर, वीरेंद्र सर को। हम क्या करते थे? हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे और छत पे उस एंटीने को घुमाते थे। और एंटीने को जब घुमाते थे तो कई वो एंटीना अपनी डायरेक्शन पकड़ता था, और जैसे डायरेक्शन सही डायरेक्शन को पकड़ता था, नीचे पिक्चर और आवाज साफ आ जाती थी। ऐसा होता था? Yes. हम बोलते थे रुक रुक रुक, हो गया। ऐसे ही इस बिजनेस में है सर, आपने अपने एंटीने को सेट करना है, और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, दुनिया का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम है सर। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान कोई दुनिया में है ही नहीं। सारे काम इससे मुश्किल है। दुनिया का सबसे बड़ा भी है और सबसे आसान भी है। अब कुछ लोगों को सवाल होगा दिमाग में, अगर सबसे बड़ा है और सबसे आसान है, फिर लोग इसको करते क्यों नहीं? आसान कामों को लोग नहीं करते सर। सुबह की सैर करना आसान है, कितने लोग करते हैं? चंद लोग करते हैं। लोग नहीं करते सर सुबह की सैर। लोग 10 लाख रुपए देके बाईपास सर्जरी कराते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करते। आसान काम नहीं करते सर, मुश्किल काम करते हैं। हिंदुस्तानियों की आदत है, लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर उठाते हैं। हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर तोड़ते हैं।